Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये क्वेश्चन एंड आंसर्स बेस्ड होंगे आपके चैप्टर जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एंड ईवे बिल्स के ऊपर। इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर कवर करें और साथ ही में कुछ ट्रू एंड फॉल्स भी है तो अगर हम उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पार्ट वन में कवर करेंगे एंड मोस्ट ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे रिलेटेड टू टैक्स इनवॉइस या फिर कहिए क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स और ईवे बिल्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो दोस्तों यहां पर पूरे चैप्टर के अंदर टोटल तीन पार्ट्स हैं। पहला है टैक्स इनवॉइस का केस, दूसरा है क्रेडिट एंड डेबिट नोट का केस और तीसरा है ईवे बिल का केस। टैक्स इनवॉइस के साथ में अगर हम बात करें दिस इज सेक्शन नंबर 31। अगर हम देखेंगे क्रेडिट एंड डेबिट नोट उसके लिए है सेक्शन 34 एंड ईवे बिल के लिए है सेक्शन नंबर 68। ये तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू उस मीडियम के थ्रू हम रिविजन करेंगे। साथ ही में दो यहाँ पर सेक्शन बीच में छूटते हैं 32 एंड 33 जो छोटे छोटे सेक्शन है प्रोहिबिशन लगाते हैं कि अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता और आपको हर डॉक्यूमेंट के ऊपर टैक्स अमाउंट को इंडिकेट करना कंपलसरी है। इस तरीके से ये टोटल 5 सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है 31, 32, 33 एंड 34 और साथ में सेक्शन नंबर 68। चलिए दोस्तों इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट्स सी, इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो इम्पोर्टेंट है हम उनको पहले ही अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम किस प्रोविजन में हमको जाना है। सो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज SOS की हम बात कर रहे हैं, इनवॉइस शैल बी इश्यूड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। इनका कहना है कि अगर सप्लाई ऑफ सर्विस हमने कोई प्रोवाइड करी है तो इस सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए जो टैक्सेबल इनवॉइस है वो हमें कितने दिन के अंदर अंदर हमको इशू करना होगा और ये डेज हमको कब से काउंट करने हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस S+- कितना है ये हमको बताना है। ऑप्शन हमारे पास में होंगे 30, 45, 60 एंड 90, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में हमको दिए हुए हैं यहाँ पे। तो अब हमको डिसाइड करना है कि सबसे पहले सिर्फ हम आंसर पे टिक नहीं करेंगे, वो तो बहुत इजी हो जाएगा, सेक्शन कौन सा है। अगर ये एमसीक्यू पैटर्न में नहीं आता है तो आपको सेक्शन नंबर भी याद होना चाहिए। सो क्लियरली इसका है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 बात करता है बहुत सारे सबसेक्शंस के थ्रू, टोटल 127 ऐसे सबसेक्शंस है इसके अंदर। 1 और 2 ये दोनों ऐसे सबसेक्शंस है जो नॉर्मल केस के बारे में बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। सो हमारा सेक्शन एंड सबसेक्शन इन फोकस इज सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, सो दैट इज 31 सबसेक्शन नंबर 2। ये बात करता है नॉर्मल सिनेरियो में आपको कोई भी सप्लाई और सर्विसेज के लिए लेटेस्ट टू लेटेस्ट आप कितने टाइम में इनवॉइस इशू कर सकते हैं। सो यहाँ पर 30 है, 45 है, 60 एंड 90 है, इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है, जो है सो है और उसका आंसर है 30 डेज के अंदर अंदर। दिस इज S+30 आपको ध्यान रखना होगा, 45 नहीं है, 60 भी नहीं है और 90 भी नहीं है। आपको जब से आपने सप्लाई दी है, लेट से आपने सप्लाई दी है 1st of January को, तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर यानी कि 30th of January को आपको या फिर 31st of January को, जो भी कैलकुलेशन बैठती है, आपको इतने दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना होगा। अगर आप इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, इसीलिए आपको 30 डेज के अंदर अंदर लास्ट डेट दी जाती है, वो है S+30। ये था हमारा पहला क्वेश्चन और उसका पहला आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी 1 से रिलेटेड है बट यहाँ पर थोड़ा सा उसमें चेंज है, इंपॉर्टेंट चेंज है, प्रोविजन पूरा अच्छे से याद होना चाहिए इसलिए इन क्वेश्चंस को यहाँ पर रखा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगेन
सर्विसेज की ही बात कर रहे हैं, अभी भी स्टिल VRNSOS ओनली बाय एन इंश्योरर, और ये मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है, एक इंश्योरर है, मतलब कि ये इंश्योरर कौन है, ये है हमारा सप्लायर। सो एक सप्लायर है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो सप्लायर कौन है, इंश्योरर है। इनवॉइस शैल बी इश्यूड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। इनका कहना है कि एक सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है ऐसा सप्लायर जो इंश्योरर है, इसको कितने टाइम में टैक्स इनवॉइस इशू करना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। मतलब अगेन हमसे ये वापस यही पूछ रहा है एस प्लस डैश कितना होना चाहिए, बस डिफरेंस ये है पहले और दूसरे क्वेश्चन में, वो एक जनरल केस था, और यहाँ पर जो हमारा सप्लायर है वो इंश्योरर है, तो इंश्योरर के लिए भी 30 डेज का ही रूल चलता है या फिर 45, 60 और 90 में से कोई अलग रूल है, ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। अगेन सेक्शन नंबर 31 ही है, सबसेक्शन नंबर 2 ही है, उसके अंदर इस बात को यहाँ पर लिया गया है कि अगर आपके सप्लायर्स या तो इंश्योरर कंपनी है या फिर कोई बैंकिंग कंपनी है या फिर कोई NBFCs है या फिर कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर आप इनमें से कोई एक हो और आप सप्लायर हो, तो आपको जो 30 डेज का पीरियड है वो आपके लिए कम है, मतलब हम आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा पीरियड देंगे, वो है 45 डेज। मतलब इफ़ यू आर अ नॉर्मल सप्लायर तो फिर आप एस प्लस 30, इफ़ योर सप्लायर्स अमंग दीज यानी कि इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी है, NBFC है या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आपको सप्लाई करने के बाद में 45 डेज का आपको टाइम लिमिट दिया जाएगा, उस 45 डेज के अंदर अंदर आपको आपका टैक्स इनवॉइस इशू कर देना होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी। आइए चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों अगले जो दो क्वेश्चंस हमारे पास में आने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों ही यहाँ पर कनेक्टेड है टू कंटिन्यूस सप्लाई। अब ये कंटिन्यूस सप्लाई के अंदर हमसे कनेक्टेड है एंड दैट टू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहे हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस शैल बी इश्यूड। अगेन हमसे यही पूछा जा रहा है कि टैक्सेबल इनवॉइस कब इशू करना है, केस किसका है, केस है हमारे पास में सप्लाई ऑफ सर्विस का है, वो भी कैसी सप्लाई ऑफ सर्विस है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट में से हमको समझ में आ रहा है कि ड्यू डेट क्या है पेमेंट की। अब इस वाले पूरे सिनेरियो में ये केस है, आप तो बताइए कि टैक्सेबल इनवॉइस कब इशू करना है। ऑप्शंस हमारे पास में क्या क्या है, पहला है बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट। तो ऑप्शंस हमारे सामने है ए बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट। इनका मतलब क्या है कि जब पेमेंट मिला तब, मींस इसको हम लिख सकते हैं एक्चुअल बेसिस पर, कि जब भी पेमेंट हमको मिल रहा है उसकी एक्चुअल डेट पर आप इनवॉइस इशू कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो क्या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हमको पता है, यस कॉन्ट्रैक्ट से हमको पता है ड्यू डेट क्या है, तो सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट में डेट दी है ड्यू डेट, उससे पहले आप टैक्स इनवॉइस इशू कर दीजिए, या तो ए या फिर बी, दोनों में से कोई एक या फिर नन ऑफ द अबव। मेरे ख्याल से नन ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं हो सकता है, इधर ए और बी दोनों हो सकते हैं, आइए देखते हैं पहले। सो यहां पर जो हमारा सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं अगेन वो है सेक्शन नंबर 31 इन इटसेल्फ। सेक्शन नंबर 31 में 1 और 2 जो सेक्शंस थे वो बात कर रहे थे नॉर्मल के बारे में, 4 और 5 बात करते हैं कंटिन्यूस सप्लाई के बारे में, एक है गुड्स का एक है सर्विसेज का, हम किसके अंदर है सर्विसेज के अंदर, क्लियरली हमें क्या डिस्कस करना है 31 के अंदर 5th, ये है हमारा सेक्शन। तो एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन नंबर 5 सप्लाई ऑफ सर्विसेज व्हेन दे आर कंटिन्यूस इन नेचर देन इन दैट पर्टिकुलर केस देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। 1 ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, it is not ascertainable from the contract, and third it is based on completion of any event। hum hai sabse pehle category mein,
हमको कॉन्ट्रैक्ट से पता है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है वो वाली डेट ले लीजिए, उससे पहले टैक्स इनवॉइस इशू कर देना। एप कह रहा है कि उसका वेट क्यों कर रहे हो, जब पेमेंट मिलेगा एक्चुअल में तभी कर देना। और ये दोनों ऑप्शंस तो बकवास है, इनको हम हटा देते हैं। सो क्लियरली जब कॉन्ट्रैक्ट से मुझे ड्यू डेट पता है तो ड्यू डेट की जो लास्ट डेट है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वही मेरी टैक्स इनवॉइस की डेट भी हो जाएगी ना। ये मेरा आंसर यहाँ पर नहीं होगा, ये मेरा आंसर होगा हियर, मीन्स कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है वही इक्वल्स टू मेरा ड्यू डेट फॉर टैक्स इनवॉइस भी हो जाएगा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था, थर्ड और फोर्थ दोनों कंटिन्यूस सप्लाई के ऊपर क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। तो थर्ड में हमने कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस देखा, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जहाँ ड्यू डेट हमको पता है वो देखा। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसके अलग सिचुएशन के बारे में बात कर रहा होगा। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस SOS में है हम, यस। कंटिन्यूस के केस में हम, यस। Where due date of payment is not, इसको हाईलाइट कर रखा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं दी गई है। जैसे किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि हर महीने की 15 तारीख को आपको हमें पैसे देना होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इनवॉइस कब इशू करेंगे। सो क्लियरली क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ये दोनों तो बाहर है। ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ले लिया था, तो हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन ए। मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपके पास में डेट नहीं है तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस आप क्या रखेंगे, वो आप तब रखेंगे जब एक्चुअली आपके पास में पेमेंट रिसीव होता है ना, वही आपकी टैक्स इनवॉइस की आखिरी डेट भी हो जाएगी। सो ये हमने देखा एक्चुअल डेट, वेन एवर यू रिसीव द पेमेंट बिफोर दैट डेट और एट द टाइम ऑफ दैट डेट जब आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपकी टैक्स इनवॉइस की लास्ट डेट हो जाएगी। इन दिस केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेबल, तो ये हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे फर्स्ट सेकेंड सेम कैटेगरी के थे, थर्ड फोर्थ सेम कैटेगरी थे। आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो क्लियरली अभी हम सेक्शन नंबर 31 के अंदर ही है। सेक्शन नंबर 31 के अंदर अगर हम देखें तो हमने फर्स्ट और सेकंड दो सब सेक्शंस के ऊपर क्वेश्चन देखे, फोर्थ और थर्ड इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन देखे जो बात करते हैं कंटिन्यूस सप्लाई के ऊपर। अब हमारे बचे हुए हैं सिक्स्थ और सेवन्थ। सेवन्थ बात करता है गुड्स के बारे में, सिक्स्थ बात करता है सर्विसेज के बारे में। ये थे स्पेशल केसेस, तो इनमें से कोई एक केस है जिसके बारे में ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लायर टेक्स प्लेस द इनवॉइस शैल बी इश्यूड। इनका कहना है कि अगर रिमूवल ऑफ गुड्स हुआ है, यानी कि हमने गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे हैं या फिर हमने अप्रूवल बेसिस पर मंगवाए हैं, टेकन लिखा हुआ है, सेंट भी लिखा हुआ है, सेल्स का रिटर्न हो गया है यानी कि बेचा और वो रिटर्न होके हमारे पास में आ गए हैं, उन सिचुएशन में हमें क्या टैक्स इनवॉइस किस लास्ट डेट तक हमें इशू करना चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। सो इन दिस केस क्लियरली इट्स अ केस ऑफ गुड्स, तो ये हो गया सेक्शन नंबर 31 का सबसेक्शन नंबर 7 स्पेशल केस इन केस ऑफ गुड्स। ऑप्शंस हमारे सामने क्या क्या है, चार ऑप्शंस हैं, नन ऑफ द अबव, ईदर ए एंड बी। और ए और बी क्या है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब आपने सप्लाई किया है तब, जिसको मैं एस लिख देता हूँ, सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जब आपने रिमूव किया है उसके सिक्स मंथ। सो ये दोनों ऑप्शंस हमारे सामने हैं ए और बी, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। अब जब हम जाते हैं सेक्शन 31 के पास में और सब सेक्शन नंबर 7 के पास में, तो उसका कहना है कि अगर आपने गुड्स को रिमूव कर दिया है और अप्रूवल बेसिस पर आपने भेजा है तो क्या वो आपकी सप्लाई है, नहीं। लेट्स से मेरे किसी पहचान वाले ने मुझसे ज्वेलरी मंगवाई और मैंने 2 पीसेस ऑफ ज्वेलरी उनके घर भेजी,
तो रिमूवल तो हो गया मेरा 1st of January को, क्या इसका मतलब है कि मेरी 2 ज्वेलरी सेट्स बिक गए हैं? नहीं, इनमें से कोई एक अप्रूव होके आएगा, मतलब अप्रूवल की डेट अलग होगी। लेट से 5th of January को उन्होंने अप्रूव करके भेजा मुझे कि मुझे एक ये वाला लेना है, तो मेरा रिमूवल का डेट क्या हो गया 1st of January, और मेरी सप्लाई कब हुई है, जब मेरी सेल हुई है, वो हुई है 5th of January। तो जाहिर सी बात है दोनों की डेट्स अलग अलग हो गई है। तो यहाँ पर सेक्शन 31 सबसेक्शन नंबर 7 ये बोलता है कि जब आपने रिमूव करा है उससे 6 months, ये वाला ऑप्शन जो है 6 months वाली डेट जो होगी वो, या फिर जब आपने सप्लाई किया है वो, उनमें से जो भी पहले हो जाता है वो डेट आपकी लास्ट डेट ऑफ टैक्स इनवॉइस होगी। सो क्लियरली इन दिस केस मेरा जो आंसर होगा वो मेरा होगा सी, मींस अर्लियर ऑफ ए एंड बी, और ये इंडिविजुअली मेरा आंसर नहीं होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कोई अप्रूवल के लिए सामान भेजा और अगर उस पर्सन ने 6 months तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं भेजा है, तो 6 months के बाद में जो डेट होगी, जैसे इस वाले केस में 1st of January को हुआ, तो जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसको 1st of June तक या जुलाई तक जो भी 6 months की डेट आ रही है वो मेरी लास्ट डेट होगी टैक्स इनवॉइस को इशू करने की। सो अर्लियर ऑफ ए और बी, ये मेरा आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये क्वेश्चन बात करता है HSN कोड के बारे में। क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है ABC, उसका 3 साल का आपको टर्नओवर दिया गया है। ये 3 साल है, लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 16-17, 17-18 and 18-19, ऐसे तीनों फाइनेंशियल ईयर्स का आपको टर्नओवर दिया गया है। टर्नओवर हम देखते हैं, सबसे पहले साल का टर्नओवर है करोड़्स में है 1.2, 17-18 में इनका टर्नओवर हो गया 3.1 और 18-19 में इनका टर्नओवर हो गया 6.2 CR, CR and CR। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये जो पर्सन है ABC, ये हर साल बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और ये हर साल बिजनेस करते हैं तो सप्लाइज करते ही हैं, तो इनको अपने सप्लाइज के लिए टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ते हैं। इन टैक्स इनवॉइस में उसको क्या क्या पर्टिकुलर्स दिखाने होंगे और इन रिस्पेक्ट ऑफ HSN कोड उनको कितने डिजिट्स के HSN कोड अपने इन तीनों साल में अलग अलग तरीके से दिखाने होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो क्लियरली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग रिगार्डिंग पर्टिकुलर्स ऑफ टैक्स इनवॉइस, तो टैक्स इनवॉइस के हमें पर्टिकुलर्स बताने होंगे और HSN कोड के साथ में हमको ये भी बताना होगा कि उसे इनवॉइस के अंदर कितने डिजिट्स डालने होंगे। तो अगर हम इनवॉइस के पर्टिकुलर्स की बात करें तो हम एक सैम्पल क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। एक इनवॉइस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, इनवॉइस का ऑब्वियसली नंबर होना चाहिए जो उसका यूनिक नंबर होता है, और इनवॉइस की डेट होना चाहिए, सिग्नेचर्स तो होने ही चाहिए, ये तो प्रीमियम चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऑलरेडी। ये जो आपका इनवॉइस है ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है या फिर ट्रिप्लीकेट है, ये आपको मेंशन करना चाहिए। आप सप्लायर कौन है और रिसिपिएंट कौन है, इन दोनों की रिक्वायर्ड यानी कि नेम, एड्रेस और इनका GSTIN नंबर आपको मेंशन करना होगा अगर ये रजिस्टर्ड है तो। अब अगर हम गुड्स की बात करेंगे या फिर सर्विसेज की बात करेंगे तो उनका डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा, आपको क्वांटिटी बताना होगा, आपको HSN नंबर बताना होगा, फिर बात आएगी वैल्यू की, वैल्यू के साथ में आपको टैक्स का परसेंटेज और अमाउंट और टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। टैक्स के साथ में आपको CGST, SGST, IGST को अलग अलग बाइफर्केट करके यहाँ पर लिखना होगा। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर्स इन दिस टैक्स इनवॉइसेस कि ये रिवर्स चार्ज में टैक्स पेबल है कि नहीं है, ये भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन करना होगा। इस तरीके से ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती है जो बेसिक है, जो हर एक इनवॉइस में होना ही चाहिए, वो यहाँ पर हमने देखी है। सो क्वेश्चन क्लियरली हमसे ये पूछ रहा है कि कौन से
ईयर में आपको कितने कितने HSN के डिजिट्स आपको दिखाने होंगे। सो नॉर्मल पर्टिकुलर्स तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप इसको वर्टिकली भी मेंशन कर सकते हैं, सैम्पल ऑफ टैक्स इनवॉइस भी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास में इतना टाइम है, बट वर्टिकली लिखना ज़्यादा होशियारी होगी। तो आप बुलेट वाइज यहाँ पर सारे पॉइंट्स लिख के आप आंसर में फ्रेम कर सकते हैं। अब जब बात आती है HSN कोड की, तो HSN कोड के लिए एक अलग क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। मैंने यहाँ पर पर्पसली क्राइटेरिया के हिसाब से ही सीक्वेंस में ही लिखा है, तो आपको इजी पड़ेगा, बट आपको क्राइटेरिया याद होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या है आइए देखते हैं। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उसका टर्नओवर लेस देन 1.5 CR है, 1.525 CR है, या फिर मोर देन 5 CR है। सो इन तीनों ही कैटेगरीज में तीनों को अलग अलग HSN नंबर ऑफ डिजिट्स दिखाने पड़ेंगे। 1.5 CR से अगर आपका टर्नओवर कम है तो आपको तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप HSN मत लिखिए, चलेगा। अगर आप 1.525 CR में हैं तो आपको 2 digits ऑफ HSN कोड दिखाना पड़ेगा। अगर 5 CR के ऊपर है तो आपको 4 digits ऑफ HSN कोड दिखाना पड़ेगा। क्लियरली हमारा इसी सीक्वेंस में 1.5 CR के नीचे 1.2 है, तो यहाँ पर HSN की ज़रूरत नहीं है फिनेंशियल ईयर 16-17 के अंदर। यहाँ पर 1.5 crore to 5 crore के बीच में है, तो यहाँ पर 2 digits हम दिखाएंगे। 5 crore से जैसे ऊपर गया 6.2 crore जो है, तो यहाँ पे हम 4 digits दिखाएंगे। नाउ इस क्वेश्चन में एक और अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाए, दैट ये तो आपने बताया टैक्स इनवॉइस के लिए, लेट से बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है ABC लिमिटेड को, तो क्या बिल ऑफ सप्लाई के लिए सेम HSN कोड का ये जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा? सो यहां पर इसका आंसर होगा यस। व्हाई? HSN कोड का जो प्रोविजन है इट इज एज इट इज एप्लीकेबल टू बिल ऑफ सप्लाई ऑल्सो। तो अगर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर रहे हैं, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको 1.5 crore के नीचे नीचे अगर आप कंपोजिट सप्लायर एक तरीके से, तो आपको HSN कोड दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। और अगर आप 3 crore वाले भी हैं, 6 crore वाले भी हैं, तो आप सेम 2 digit 4 digit फॉलो करिए। टैक्स इनवॉइस की जगह अगर आप बिल ऑफ सप्लाई दे रहे हैं तो भी आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हुआ। HSN कोड के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है, बहुत कम बच्चे इनको अच्छे सीरियसली लेते हैं, बट इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इस स्लैब रेट को आप याद रखिएगा। सो इस पूरे वीडियो के अंदर हमने टोटल 6 questions यहां पर देख लिए हैं। 6 के 6 questions हमने कोशिश करी थोड़ा MCQ स्टाइल में रखा है, कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भी बनाएंगे, तो वहां पर अच्छे से हम कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ Ekeeda चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।